दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। इसका 98% हिस्सा बर्फ में ढका हुआ है। इतने कम तापमान में इंसानों का रह पाना तो काफी मुश्किल है, मगर कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी दुनिया अंटार्कटिका में ही बसी हुई है। अंटार्कटिका में बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े जानवर, मछलियाँ और पक्षी भी अपना जीवन बिताते हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या साइबेरियन टाइगर अंटार्कटिका के जंगलों में रहकर अपना जीवन बिता पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि साइबेरियन टाइगर भी साइबेरिया के ठंडे इलाकों में रहने के अनुकूल होते हैं। तो आइए इस बात का पता करते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या होगा अगर पोलर बियर और साइबेरियन टाइगर आपस में भिड़ जाए, तब इनके मुकाबले में कौन जीतेगा। आइए पहले हम इन दोनों जानवरों के कंपैरिजन को आपको बताते हैं। तो हम बात कर रहे थे जंगल के दो सबसे बड़े और खतरनाक शिकारी जानवरों के बारे में। एक तरफ हम साइबेरियन टाइगर को ले रहे हैं तो दूसरी तरफ हम पोलर बियर को ले रहे हैं। यदि ये दो जानवर आमने सामने हुए तब कौन जीतेगा ये बता पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों ही जानवर अपने अपने ताकतों से एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं। पोलर बियर पूरे आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्थ पोल पर पाए जाते हैं, जबकि साइबेरियन टाइगर वहां पाए जाते हैं जहां पे ये पोलर बियर नहीं पाए जाते। मगर रशिया के क्षेत्र में पोलर बियर और साइबेरियन टाइगर साथ साथ में रहते थे, पर अब वे वहां से विलुप्त हो चुके हैं। इनके आमने सामने होने की कोई खबर नहीं है और न ही ये चिड़ियाघरों में आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ तक हमें पता है टाइगर और पोलर बियर की एक साथ कभी हमें फोटोज भी नहीं देखने को मिली है, मतलब कि ये दोनों जानवर बहुत ही अलग अलग है। इनका आवाज एक दूसरे से काफी अलग है। इनके आकार को यदि हम एक बार देखें तो आप फोटो में जो देख रहे हो ये ऐसे दिखाई देते हैं। यदि इन दो जानवरों को एक साथ खड़ा किया जाए तब पोलर बियर का वजन 350 किलोग्राम तक का होता है और लंबाई 3 मीटर की होती है, और जबकि इनमें काटने की ताकत लगभग 1250 PSI की होती है और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग पाते हैं। साथ ही तैरने में भी ये काफी माहिर होते हैं। दूसरी तरफ यदि हम साइबेरियन टाइगर की बात करें तो साइबेरियन टाइगर का वजन लगभग 400 किलोग्राम के आसपास होता है, लंबाई 3 मीटर, काटने की ताकत लगभग 1050 PSI की होती है। वैसे तो साइबेरियन टाइगर के दौड़ने की रफ्तार 96 किलोमीटर प्रति घंटे की है और आम तौर पर शिकार करते समय ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे से भी भाग पाते हैं। दोनों ही जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने शिकार को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। पोलर बियर अपने इलाकों के टॉप शिकारी होते हैं। ये समुद्री सील और तरह तरह के मछलियों का शिकार करते हैं। पोलर बियर अपना अधिकतर समय समुद्र के किनारे पर ही बिता लेते हैं। इनका अधिकतर समय खाने और शिकार करने में बीतता है। और यदि हम साइबेरियन टाइगर के बारे में बात करें तो ये काफी निडर होते हैं, फुर्तीले होते हैं, साथ ही ये मारने में बहुत ही ज्यादा हुनरबाज होते हैं। पोलर बियर की आबादी तो खूब फल फूल रही है, मगर साइबेरियन टाइगर लगभग 500 के आसपास ही बचे हुए हैं। साइबेरियन टाइगर के शिकार बनते हैं वो जानवर जो इनके सामने आते हैं, मतलब कि इनके इलाके का हर जानवर इनका एक शिकार है, यहाँ तक कि भेड़िए भी। साइबेरियन टाइगर और पोलर बियर की लड़ाई सबसे रोमांचक लड़ाइयों में से एक होगी। इनमें से कौन सा जानवर जीतेगा ये बता पाना काफी कठिन है, लेकिन दुनिया के कई सारे वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है और बहुत से आर्टिकल्स में भी छपा हुआ है कि अगर ये दोनों जानवर भिड़े तब इसमें जीत साइबेरियन टाइगर की ही होगी। इसके पीछे का मुख्य कारण साइबेरियन टाइगर के लड़ने की तकनीक है। टाइगर एक बिल्ली है। बिल्लियां दुनिया की सबसे खतरनाक और चालाक किस्म की शिकारी होती है और यही एक मुख्य कारण है कि साइबेरियन टाइगर पोलर बियर को भी हरा देगा। अब आइए हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि क्या टाइगर अंटार्कटिका के जंगलों में अपना जीवन बिता पाएगा। तो हमारा मानना है कि साइबेरियन टाइगर अंटार्कटिका में ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। भले ही ये बाघ अंटार्कटिका के तेज ठंड से अपनी जान बचा ले, मगर ये अंटार्कटिका में पाए जाने वाले खूंखार शिकारी जैसे कि पोलर बियर, सील, इन सभी जानवरों से अपनी जान नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।